श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। और अपन जो संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं उसमें अपन व्याकरण टॉपिक चल रहा है। व्याकरण में अब देखिए अपन ने कहाँ तक कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए उसके विषय में बता देता हूँ कि अपनी व्याकरण है व्याकरण। व्याकरण में के अपने जो भाग हैं अपने जो व्याकरण हैं उसके कौन कौन से होते हैं, तो भेद, वर्ण, शब्द और वाक, तीन भेद होते हैं व्याकरण के। कितने होते हैं? तीन, वर्ण, शब्द और वाक। ठीक है, वर्ण अपन ने पढ़ लिए कि वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं। ये वर्ण तालिका है पूरी व्याकरण की, अपने डायग्राम ध्यान से देखना। अब तक अपन ने क्या पढ़ा है? वर्ण। अब देखिए वर्ण में वह छोटे से छोटे ध्वनि जिसके फिर से टुकड़े नहीं किया जा सके। अब अपन ने पढ़ा था वर्ण भेद, वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं। अपन ने स्वर पढ़ा था, व्यंजन पढ़ा था और एक पढ़ा था अपन ने आयोग वाह। क्या पढ़ा था? आयोग वाह। ठीक है, अपने स्वर के जो भेद किए थे, स्वर के कौन कौन से भेद किए थे अपन ने, कौन तीन भेद किए थे अपन ने स्वर के। अपनी तालिका बनती जा रही है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, अपने जो स्वरों की संख्या थी वो कितनी थी? सामान्य रूप से 13, पाणिनि व्याकरण के अनुसार कितने? 22। ठीक है, अपनी जो स्वर और व्यंजनों का समूह है उससे क्या बनती है? वर्णमाला। और व्यंजन जो अपने हैं वो थे 33। कितने थे? 33। ठीक है, और अब देखिए ह्रस्वर कितने बताए थे अपन ने? 5। ह्रस्वर तो छोटा। दीर्घस्वर कितने बताए थे? 8। ठीक है, प्लस स्वर कितने बताए थे? 9। और कुल टोटल कितने हो गए अपने? ये 22 हो गए। सामान्य रूप से कितने हो गए? 5 और 8 कितने हो गए? 13। ठीक है, तो अपने स्वर होते हैं 13, पाणिनि व्याकरण में कितने होते हैं? 22। 13 में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। प्लुत की पहचान मैंने क्या बताई थी कि प्रत्येक अपने 9 जो ह्रस्व स्वर हैं उनके आगे और मिश्रित स्वर हैं उनके आगे 3 का अंक लगता है। व्यंजन अपने बताए थे 33। 33 व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया था, कौन कौन से? स्पर्श, अंतास्थ और उस। ये 3 अपन ने इसके भेद बताए थे। ठीक है, और आयोग वाह, आयोग वाह मैंने अपन ने क्या बताए थे, ध्यान है तुम्हें कि अनुस्वार विसर्ग जितने भी हैं ये सब किस में आते हैं? आयोग वाह में आते हैं, अनुस्वार। ठीक है, और अपना आ गया विसर्ग नंबर 3, उपद मानीय नंबर 4, जिव्या मूल्य और अपने जो जितने भी वो हैं अपने अलंत और विसर्ग वाले सब किस में आते हैं? इस आयोग में आते हैं अपनी तालिका। अब बात आती है, देखिए वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटे से छोटे ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए सके, और वर्णों का ऐसा संगठन या समूह जिसका निश्चित अर्थ निकलता है वह शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, अब अपने जो शब्द हैं शब्द के भी भेद है कौन से? सार्थक और निरर्थक। क्या है? शब्दों के भी भेद हैं अपने कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक।
सार्थक जो हैं, जो अर्थ से युक्त हो, जिनका अर्थ निकलता हो, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। और निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो निरर्थक कहलाते हैं। ध्यान रखना, सार्थक शब्दों से ही अपने वाक्य बनाए जाते हैं, निरर्थक से नहीं। सार्थक निरर्थक शब्द है, इनका अपना विस्तार से प्रयोग नहीं करते। और शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता है, वो वाक्य कहलाता है, अथवा वाक्य को पद भी कहा जाता है। वाक्य को क्या कहा जाता है? पद भी कहा जाता है। अपने जो पद हैं उसमें दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। अब देखिए, विकारी क्या है, इसकी परिभाषा है, जिनका काल, लिंग, पुरुष, वचन और व्यक्ति के अनुसार विकार या परिवर्तन दिखाई देता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जिनमें कारक, काल, लिंग, वचन और व्यक्ति के अनुसार अर्थ में परिवर्तन दिखाई देता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिनमें ये विकार दिखाई नहीं देता है, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, अपने विकारी हैं, इसके भी दो भेद होते हैं, सुबंत और तिगंत। सुबंत को सुप बोलते हैं और तिगंत को तिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये 21 होते हैं और ये 18 होते हैं। पढ़े हैं ना अपन ने, यहाँ तक अपन पढ़ लिए। अविकारी कौन से होते हैं वो सुनिए। अविकारी के भी दो भेद होते हैं, अव्यय और निपात। अविकारी के भी क्या होते हैं? दो, अव्यय और निपात। विकारी का तो अपने बताया था कि जिनके लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार अर्थ में विकार या परिवर्तन दिखाई देता है, वो विकारी शब्द कहते हैं, अर्थात इनके अर्थ में परिवर्तन किया जा सकता है। सुबंत और तिगंत दो भेद होते हैं। अविकारी कौन से होते हैं? जिनके लिंग, वचन, कारक, व्यक्ति के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकते, वो सदा एक जैसे रहते हैं, वो अव्यय और निपात कहलाते हैं। और अव्यय और निपात कौन से होते हैं? जो अपने उपसर्ग होते हैं, जिनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, हमेशा एक समान रहते हैं, वो अव्यय और निपात कहलाते हैं। जैसे अत्र, खलु, नूनम, अध, ठीक है ना, ये जितने भी अपने शब्द हैं वो अव्यय या निपात कहलाते हैं। जितने भी अपने उपसर्ग हैं, उपसर्ग वो अपने एक जैसे रहते हैं, ये वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो अपन ने जो शब्द पढ़े हैं वो विकारी, सुबंत पढ़ लिए, तिगंत पढ़ लिए, और अपन ने जो रह गया अविकारी शब्द है अपना पद वाले में, वो देखिए, अव्यय और निपात, जिनमें कोई परिवर्तन, जिनके अर्थ में कोई परिवर्तन विकार उत्पन्न नहीं होता, वो अविकारी, और जिनमें अर्थ में परिवर्तन होता है वो विकारी कहलाते हैं। अव्यय और निपात, अद्ध है, खलु है, अत्र है, यत्र है, कुत्र है, नूनम है, और ये सब क्या हैं? ये सदा एक जैसे रहते हैं, इनका अर्थ एक समान रहते हैं, स्वतंत्र रूप में रहते हैं, ये अब कौन से कहलाते हैं? अव्यय या निपात कहलाते हैं। अपने तो अपनी जो व्याकरण टॉपिक है, अपन ने यहाँ तक अपना जो टॉपिक है वो यहाँ तक अपना पढ़ा है। ये अपनी व्याकरण की क्या है? तालिका है कि व्याकरण के तीन वेद होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण के वेद कितने होते हैं? वर्ण के तीन वेद होते हैं, सामान्य रूप से दो होते हैं, स्वर और व्यंजन, एक होता है आयुग्वाह। स्वर के अब आती है अपनी स्वर, उसके बाद स्वर के वेद कितने होते हैं? तीन होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। व्यंजन है, व्यंजन अपने कितने होते हैं? 33।
और इसके भेद कितने होते हैं, इसके तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 कैसे लेकर के और मै तक, और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 कौन कौन से, ये रे ले वे, और उष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4। इस प्रकार 25, 4 और 4 कितने हो गए, 33 हो गए। अब यहाँ आती है आयोगवाह। आयोगवाह में अनुस्वार आता है, विसर्ग आता है, उपद्मानी आते हैं, जिव्या मूल्य आते हैं। अनुस्वार जानते हो किसे कहते हैं, ये ऊपर जो बिंदी लगाई जाती है, विसर्ग ये चिन्ह होता है विसर्ग का, ठीक है। उपद्मानी कौन से होते हैं, ये अर्धविसर्ग संकेत होते हैं, ये उपद्मानी होते हैं जो प और फ से पहले लगते हैं। कहाँ लगते हैं, प और फ से पहले। और ये जिव्या मूल्य होते हैं जो अपने क और ख से पहले लगते हैं, ये उपद्मानीय होते हैं, ठीक है। अब बात आती है अपनी शब्द। वर्णों का ऐसा संगठन या समूह जिसका निश्चित अर्थ निकलता है वो शब्द कहलाता है। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द होते हैं जिनका अर्थ निकलता है, निरर्थक वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। और निरर्थक शब्दों का अपना कोई प्रयोग नहीं किया जाता व्याकरण में, सार्थक शब्दों का ही होता है। अब जैसे कह दे कोई भी, भाई इसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ नहीं होता, ठीक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। अब आती है वाक्य। शब्दों का ऐसा समूह जो या संगठन जिसका अर्थ निकलता हो पद या वाक्य कहलाता है। वाक्य या पद के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, व्यक्ति के अनुसार, काल के अनुसार उनके अर्थ में परिवर्तन या विकार किया जा सकता है, वो विकारी कहलाते हैं। ऐसे शब्द सुबंत या तिगंत कहलाते हैं। सुबंत सुप्रत्यय आते हैं जो अपने शब्द रूपों में काम आते हैं। इनके 21 प्रत्यय हैं, प्रथम व्यक्ति के एक वचन से लेकर के सप्तमी व्यक्ति के बहुवचन तक। और तिगंत वो होते हैं जो अपने धातुओं में काम आते हैं, परस्मैपदी और आत्मैपदी। परस्मैपदी के 2 और आत्मैपदी के 9। 9 और 9 कितने हो गए, 18। इनको इसलिए तिंग प्रत्यय कहा जाता है। तीते अंति जो आते हैं वो तिगंत के अंतर्गत आते हैं। और अविकारी जिनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होते, ऐसे अव्यय और निपात इनको स्वतंत्र रूप में रहते हैं और इनके कोई परिवर्तन नहीं होता अर्थ में, ये हमेशा एक समान रहते हैं। इनमें जैसे लिख दिया अद्ध आ गया, यत्र आ गया, कुतः आ गया, कुत्र आ गया, नूनम आ गया, खलु आ गया, ये सब अपने जो सर्वनाम शब्द हैं वो अव्यय कहलाते हैं, जिनका कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। तो ये अपने जो व्याकरण की तालिका है, ये अपन ने अपना तब तक का जो टॉपिक पढ़ा है, इस व्याकरण तालिका को अच्छी तरह से अपने नोटबुक में उतारें, जिससे कि अपन को पता लगे कि अपन ने ये टॉपिक पढ़ लिए हैं। और जब तक तुम्हें व्याकरण के ज्ञान के लिए इस वर्ण शब्द और वाक्य टॉपिक को आना बहुत जरूरी है, और ये व्याकरण की धुरी है। फर्स्ट जो नींव होती है उसमें व्याकरण का ये टॉपिक है। व्याकरण के इस टॉपिक को अच्छी तरह से अपनी कॉपी में अच्छी तरह से डायग्राम बनाएं इस तरह से, और इसको समझे कि अपन ने कौन कौन से शब्द पढ़े हैं, और यहाँ खोल करके भी लिख सकते हैं। तो ये व्याकरण का अपना जो डायग्राम है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सभी अच्छी तरह से उतारें। और ऑनलाइन क्लास को अपने SRAVP लक्ष्मणगढ़ जो ग्रुप है और अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर जाकर के देख सकते हैं, और अपने प्रत्येक विषय की वहाँ क्लास की जो चल रही है उसकी प्रत्येक विषय वाइज अपनी अध्ययन को सुचारू रूप से चला सकते हैं।